अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सब की दुआओं से मैं भी एकदम खैरियत से हूँ। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम खैरियत से हैं। वेलकम टू लखनऊ का जायका। तो आज जो मैं आपको बनाने वाली हूँ अपने किचन में, वो है अफ़गानी चिकन। अफ़गानी चिकन बनाने के लिए हमें सबसे पहले चिकन की ज़रूरत होगी, जो मैंने 1 किलो चिकन लिए हैं और ये धुल कर मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया है, पानी इसका सारा निकल जाए। इसके लिए मैंने इसको एक ऐसे जाल वाले, यहाँ डलिया बोलते हैं, उसमें हमने रख लिया है। इसके अलावा हमें जो चाहिए वो है हरी मिर्चें। तो यहाँ मैंने 5 से 6, 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। इसके अलावा 1 इंच का टुकड़ा मैंने ले लिया है और 2 कली लहसुन के लिए हैं, हमने इसे छील लिया है। इसके अलावा 1 बड़े इंच बड़ा हमने प्याज ले लिया है और ये हमारे पास धनिया रखा हुआ था, तो धनिया को हमने धूप में सुखा लिया था और ये स्टोर कर दिया था फ्रिज में, तो ये ले लिया है धनिया। इसके अलावा ये हमारे पास मेथी पड़ी हुई है, सूखी कसूरी मेथी है, ये हमने ले लिया है। इसके अलावा ये कुछ बादाम के, कुछ काजू के हमने टुकड़े ले लिए हैं। इसके अलावा जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो है काली मिर्चें पीसी वाली, और ये हमारे पास पीसा जीरा रखा हुआ है वो हमने ले लिया है। ये पीसा धनिया रखा हुआ है हमारे पास, ये हमने ले लिया है। और कुछ चाट मसाला जो घर का पीसा हुआ है वो मैंने ले लिया है। ये चाट मसाला मैंने घर पर बनाया है। आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं। और ये हसबे जायका नमक। इसके अलावा हमें चाहिए दही, ये घर में जमाया हुआ दही मैंने लिया है। और इसके अलावा मैंने ये घर में जो क्रीम निकलता है दूध से, मलाई जिसे बलाई भी कहते हैं, ये हमने लिया है। और जितनी मैंने मलाई ली है, जितना क्रीम है, उतना ही मैंने इसमें दूध लिया हुआ है, यानी कि 50 ml अगर मलाई है तो 50 ml मैंने इसमें दूध लिया। तो अब हम लेते हैं एक मिक्सी का जार बड़े साइज़ का, और इसमें हम अपने सारे जो भी इंग्रेडिएंट हमने लिए थे, ये अदरक, हरी मिर्चें, लहसुन, प्याज, हरा धनिया, और ये काजू बादाम सारे इसमें डाल करके हम इसे पीस लेंगे। तो ये जो मसाला है हमारा तैयार हो चुका है, ये देखिए, ये हमने इसे बारीक बिल्कुल पीस लिया है मिक्सर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो कसूरी मेथी है मैं इसे ड्राई रोस्ट कर लूँगी जी। तो मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी ले लिया है, इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। हमने और निकालने के बाद इसे हम अच्छे से हाथों से मसल लेते हैं, बिल्कुल बारीक। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है हमें। इसी जार को हमें धोना नहीं है, इसी में हम ये बटर, मिल्क, ये जो मलाई और दूध का ये मिला देंगे, इसमें मलाई और दूध जो हमने लिया था। और इसके अलावा इसमें हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच दही के। चार चम्मच हमने डाल दिया। अब मैं इसे रहा था तो मैंने इसे बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी दही और ये दूध और मलाई का ये पेस्ट जो मैंने मिक्सर में अभी ग्राइंड किया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर,
ज़ीरा पाउडर, धनिया मसाला, और मेरे पास ये जो बनाया हुआ है घर का बनाया हुआ चाट मसाला, ये सब एक एक चम्मच मैंने डाल दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हंसबे जाएगा, नमक। इसके अलावा ये जो मैंने कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट करके रखा था ये मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। अब इन सारी चीज़ों को हम अपने हाथ से ही मिला लेंगे। इन सबको हाथ से मिलाने के बाद हमें करीब एक घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखना है। तो एक घंटे बाद चलिए हम मिलते हैं एक घंटे के बाद। इसमें मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी मिक्स करते वक्त, ये गरम मसाला। तो इसमें गरम मसाला भी एक चम्मच करीब ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। तो जी एक घंटे हो चुके हैं, हमारे पास चारकोल नहीं था तो मैंने अपना टेक्निक अपनाया है। मैंने सिनेमन और कुछ लौंग के टुकड़े और छोटी इलायची ले लिया है और इसको मैं यहाँ गर्म कर रही हूँ जब तक ये पूरे तरीके से। तो ये स्मोक बन रहा है, ये देखिए। तो माशाल्लाह से स्मोक मेरा बहुत अच्छा बन चुका है, इसमें खुशबू बड़ी बहुत प्यारी आ रही है। अब मैं इसको एक तवा लूँगी ऐसा और मैं इसमें फ्राई करूँगी। दूसरा बर्तन ले लिया मैंने, इसमें ये जो मेरा मसाला बचा हुआ है चिकन का, मैं इसमें इसको भून लूँ। सबसे पहले इसमें डाल लेते हैं। तो यहाँ हमने एक अलग से सेपरेट बर्तन में ऑयल ले लिया है और अब इसके बाद जो है हम इसमें जो मेरा मसाला था जो मैंने पीस के बनाया था उसे हम ले लेंगे और इस मसाले को हम तब तक भूनते हैं जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। तो इसके बाद जो चिकन हमने इस पैन में चढ़ाया है इसे हम पलट लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए इसका कलर बहुत ही प्यारा आया है, हमें यही कलर चाहिए था। तो माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसे ग्रेवी में ऐड कर लेते हैं और सारी चिकन को हम ग्रेवी में ऐड कर लेते हैं। मैंने इसमें सारे डाल दिए हैं। अब मैं इसको इसी मसाले में पकाऊंगी करीब 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढक करके। तो मैं इसे ढक करके पकाने वाली हूँ और करीब मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी धीमी आंच पर। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। जी अच्छा, तो ये हमारा चिकन बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें स्मोक देंगे। तो स्मोक के लिए जैसा मैंने बताया था मेरे पास कुछ चारकोल तो है नहीं, तो मैंने ये दालचीनी, छोटी इलायची और लौंग का स्मोक बनाया है और मैं इसी को इसमें डाल दूँगी बीचों बीच। और इसी की इसमें जो स्मोक बन रहा है इसी से मैं इसको ढाक दूँगी। अफ़गानी चिकन बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। इसकी जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो आप उतनी ग्रेवी रखिए और जितना सूखा रखना चाहे उसको आप उतना सूखा रख सकते हैं। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो चलिए माशाल्लाह अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही उम्दा कलर आया है इसका, बहुत ही बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल लखनऊ का जायका एंड
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें एंड डू सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल लखनऊ का जायका। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।